आज हम बनाने वाले हैं चिकन बंजारा कबाब, जो कि आप देख सकते हैं देखने में ही काफ़ी मज़ेदार है। तो सोचिए खाने में कितना लाजवाब इसका टेस्ट होगा। तो चलिए देखते हैं हमें बंजारा कबाब बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आपने देखा है कि आज हम बनाने वाले हैं बंजारा कबाब। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना मैं आपको बताऊंगी, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम्स चिकन ले ली है। थोड़े बड़े बड़े टिक्के की तरह इनको पीसेस में कट किया है और इनका पानी मैंने अच्छी तरह से निकाल लिया है। चिकन आपकी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। इस तरीके से दबाते हुए चिकन का आप सारा पानी निकाल लीजिए, गीली चिकन आपकी नहीं होनी चाहिए। स्पाइसेस में मैंने 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1/2 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है। 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ली है और 3 टेबल स्पून दही लिया है। याद रखिए आपको हंग कट का इस्तेमाल करना है, दही ज़्यादा पानी वाला नहीं होना चाहिए। और 1/2 लेमन का जूस इस्तेमाल करेंगे हम। तो सबसे पहले हम मैरिनेट कर लेते हैं चिकन को, जिसके लिए एक बोल ले लेंगे और उसमें हम दही को शामिल कर देंगे। अब फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे इसमें, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर देंगे और सारे जो हमने ड्राई स्पाइसेस लिए थे उनको भी हम इसमें डाल देंगे। हाफ लेमन का जूस ऐड कर देना है इसमें। अब इनको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। हम इसमें कलर का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। हमने हल्दी तो डाली है इसमें, बट हल्दी का कलर इतना निखर कर नहीं आएगा क्योंकि हमने थोड़ी सी ही ऐड की है। तो इसलिए वजह से इसमें येलो कलर हम इसमें ऐड कर देंगे, 2 ड्रॉप, जिससे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा इसका लुक आएगा। और आप एक बार जब इसको बनाएंगे तो बार बार इसे बना कर खाएंगे क्योंकि इतने मज़े के बनते हैं। तो अब हम इसमें चिकन को शामिल कर देंगे और इन सबको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। अब इसमें हम कोयले का धुआं देंगे, तो फॉइल पेपर रख लें या कोई छोटी कटोरी हो आपके पास तो वो रख लें। कोयले को गरम कर लें अच्छी तरह से गैस पर, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको कवर कर दें और इसको 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। इसको फ्रीज में रख देंगे 2 घंटों के लिए। जितना आप मैरिनेट करोगे उतने ही मज़ेदार आपके कबाब बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए 2 घंटे मैंने इसको मैरिनेट कर लिया था, माशाल्लाह रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आया है। और ये देखिए आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से चिकन पर कोट हो चुका है। अगर आप पानी वाले दही का इस्तेमाल करेंगे तो सारा मसाला चिकन पर से गिरने लगेगा, अच्छी तरह से फीलिंग उसकी कोट नहीं होगी। तो इसीलिए इस तरीके से आपने स्टिक्स ले लेना है और उसमें चिकन को डाल देना है, लगा देना है और थोड़ा थोड़ा मसाला ऊपर भी लगा दीजिए। अब सेकेंड वाला भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाइए। बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी जो मैं डालूँगी वो आपको दिख पाएगी। तो सारे स्टिक्स में हमें चिकन को लगा लेना, देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी फीलिंग जो है बनी है, मैरिनेट हुआ है, मसाला बिल्कुल भी गिर नहीं रहा है, चिकन पर अच्छी तरह से कोट हो चुका है। तो आप तवा या फ्राई पैन ले ले, उस पर थोड़ा सा ऑयल डाल दे और चिकन को उस पर रख दीजिए। जो बंजारा कबाब हमने बनाया है उसको डाल दीजिए तवे पर और उसको लो फ्लेम पर ही पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है, कवर वगैरह नहीं करना है। अगर आप इसको लेट से कवर करेंगे तो इसका पानी रिलीज़ होने लगेगा। और इस तरीके से आप टर्न कर ले या ब्रश की हेल्प से ऑयल चारों तरफ फैला ले ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो देखिए एक साइड से 5 मिनट के लिए हमने इनको फ्राई कर लिया था, अब इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे और दूसरे साइड पर भी हम इसको 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे।
तो ये देखिए दोनों साइड से फ्राई हो चुकी है माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार खुशबुएं भी आ रही है और बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो इनको हम डिश में निकाल लेते हैं। तो अब इनको और मज़ेदार बनाने के लिए हम इस पर डाल देंगे थोड़ी सी फ्रेश क्रीम, ताकि लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा लगे, रेस्टोरेंट जैसा लुक भी आए और इसका टेस्ट भी आए। तो फ्रेश क्रीम डाल देंगे और थोड़ा सा चाट मसाला इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बंजारा कबाब बन करके तैयार हो चुका है। इसको मैं आपको नाइफ से मैं दिखा रही हूँ सेंटर में, कि अंदर तक नाइफ जा रही है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट इसका टेक्सचर आया है।